नमस्कार दोस्तों, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के T2 की स्वीटी से फेमस हुए एक्टर सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन को आज बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म ने पहले हफ्ते में कितनी कमाई की। फिल्म का निर्देशन किया है अभिषेक पाठक ने, वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक। फिल्म की कहानी लिखी है दानिश जय सिंह ने। फिल्म की कहानी एक 30 साल के युवक की कहानी है जिसके बाल उसकी उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और साथ में इमोशनल भी है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, उसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म उजड़ा चमन को अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 से बॉक्स ऑफिस पर सामना करना पड़ रहा है। जहां हाउसफुल 4 नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी अच्छी कमाई कर रही है, वहीं उजड़ा चमन पॉजिटिव रिव्यूज के बाद भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही। फिल्म की बजट की हम बात करें तो फिल्म का बजट है करीब 15 करोड़ रुपए, जिसमें से 10 करोड़ प्रोडक्शन और 5 करोड़ प्रिंट और एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए गए हैं। फिल्म की स्क्रीन काउंट की हम बात करें तो फिल्म टोटल 1000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अब बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की। पहले दिन फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 35 लाख। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शंस में थोड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने कमाई की 3 करोड़ 30 लाख रुपए। फिल्म का पहला संडे फिल्म के लिहाज से काफी बेहतरीन रहा और फिल्म ने 3 करोड़ 61 लाख रुपए अपने तीसरे दिन बटोरे। 3 दिनों में फिल्म की कुल कमाई लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई थी, जो कि फिल्म के बजट के लिहाज से काफी अच्छे कलेक्शंस माने जा रहे थे। लेकिन चौथे दिन यानी कि पहले सोमवार को फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा डाउन रहे और फिल्म ने मात्र 70 लाख रुपए की कमाई। वहीं फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शंस भी और डाउन रहे और फिल्म ने 60 लाख रुपए की कमाई की। बुधवार को यानी कि 6वें दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली और फिल्म ने कमाए 60 से 70 लाख रुपए। अब बात करें फिल्म के 7वें दिन की, तो फिल्म ने 7वें दिन ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज में 5 से 7% है और वहीं नाइट शोज की बात करें तो 10 से 15% की ऑक्यूपेंसी मिली। आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के कलेक्शन आज भी कुछ खास नहीं है और फिल्म 40 से 50 लाख रुपए की कमाई करेगी। इस लिहाज से फिल्म का एक हफ्ते का कलेक्शन 11 करोड़ 76 लाख रुपए हो गया है। वहीं बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शंस की, तो फिल्म का ओवरसीज कलेक्शंस मिला के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 15 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 13 करोड़ 90 लाख रुपए हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये मूवी देखी और आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम आपको देते रहते हैं बॉलीवुड से जुड़ी सारी मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस अपडेट्स।